हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। आज के इस वीडियो में खास क्या है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। देखिए, हमने एक टेबल बनाया है जिसका नाम है टेबल वन, ठीक है। एक टेबल टू भी बनाया था, लेकिन इस टेबल टू को मैं फिलहाल करने वाला हूँ डिलीट, ठीक है। अब ये डिलीट कर रहा हूँ, इसको देखिए, ये डिलीट कर दिया। टेबल वन के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो आईडी दिखाई दे रही है, नेम ऑफ स्टूडेंट दिखाई पड़ रहा है, क्लास दिखाई पड़ रहा है और स्ट्रीम दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं सेक्शन की, सेक्शन, ओके। तो यहां पर एक और टेबल बनाएंगे और उसमें फादर्स नेम और सेक्शन दो चीजों को हम करेंगे इंक्लूड, ठीक है। तो क्लास के साथ सेक्शन और नेम के साथ फादर्स नेम को इंक्लूड कर दिया जाएगा, यानी अपेंड कर दिया जाएगा। ये कैसे होगा ये देखते हैं। पहले तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम सेक्शन को इंक्लूड करेंगे और उसके साथ साथ फादर्स नेम को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये आईडी आ रही है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, यहां पर लिख देते हैं फादर्स नेम। तो ये लिख दिया फादर्स नेम, ओके। तो ये फादर्स नेम हो गया, और फादर्स नेम देने के बाद ये शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। फिर यहां पर आते हैं तो यहां पे कर देते हैं सेक्शन, तो ये सेक्शन कर दिया हमने, ठीक है। यहां पे भी हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रख देते हैं और फिर यहां से व्यू पे क्लिक कर देते हैं और ये यस कर देते हैं। तो यहां पर अब हमको फादर्स नेम डालना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम फादर्स नेम डाल देते हैं। जैसे कि टेबल वन के अंदर आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट का नाम राम है, तो यहां फादर्स नेम उसी के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे। तो यहां लिख देते हैं सुजीत कुमार, सुजीत कुमार, कुछ इस तरीके से समझने के लिए। तो ये हो गया। अब यहां पे सेक्शन की बात करते हैं, तो यहां ए कर देते हैं, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं अमित कुमार, तो ये जो सेक्शन है ये बी कर देते हैं, अमित कुमार का सेक्शन क्या करेंगे, बी कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे ये बी कर दिया हमने। और यहां पर लास्ट में लिख देते हैं अवनीश, अवनीश, ठीक है, ये लिख दिया। और यहां पर सेक्शन सी कर देते हैं। तो ये तीन सेक्शन के नाम भी हमने दे दिए। आपके पास कोई बड़ा रिकॉर्ड हो तो अपेंड करवाने का वे सेम होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अपेंड ऐसे ही आप करवाएंगे। तो हम क्या करवाने वाले हैं, टेबल वन के अंदर टेबल टू के रिकॉर्ड्स को भी अपेंड करा सकते हैं, या टेबल वन का रिकॉर्ड्स टेबल टू में भी जाके अपेंड करा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल क्रिएट पे चलते हैं, क्वेरी डिजाइन पे आते हैं और हम, ठीक है, तो यहां पर जाकर के टेबल वन को ऐड कर दिया हमने और यहां से सारी चीजों को ले सकते हैं आप। फिलहाल मैं लेता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, और फिर यहां पर ले लेते हैं स्ट्रीम, ये ले लिया। अब अपेंड पे चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये टेबल वन है जो हमने लिया है, अपेंड पे आए। अब अगर आपके पास कोई और भी डेटाबेस है तो यहाँ अनदर डेटाबेस पे जाके ब्राउज कर सकते हैं, ये ब्राउज का फीचर दिया हुआ है इसमें। फिलहाल हमें तो यहीं पे रहना है, करेंट डेटाबेस और टेबल टू के रिकॉर्ड को अपेंड करवाना है, तो यहां से ओके करना है। तो ये देखिए टेबल टू का रिकॉर्ड अपेंड भी हो गया, अब यहाँ अपेंड टू आ रहा है, तो यहां पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट के साथ फादर्स नेम को एसोसिएट करेंगे, ठीक है, और फिर क्लास के साथ हम किसको एसोसिएट करेंगे, सेक्शन को, तो यहां सेक्शन कर दिया हमने, ठीक है। और यहां से जाकर के रन पे क्लिक कर दीजिए। अब ये कह रहा है कि तीन रोज को आप अपेंड करने जा रहे हैं और ये अपेंड हो भी चुका है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस क्वेरी को सेव करना है, तो सेव कर लिया। चलिए क्वेरी वन के ही नाम से इसको सेव कर लेते हैं और यहां से क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। टेबल वन पे आए, ठीक है, तो ये देखिए ये टेबल वन है हमारा और फिर ये टेबल टू है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये फादर्स नेम है और फिर इसी के अंदर आपको सेक्शन और ये दो सारी चीजें इसी के अंदर इंक्लूड होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। अब ये देखिए ये टेबल वन था आपका जिसमें राम श्याम और संदीप नाम था स्टूडेंट का, ठीक है। टेबल टू में भी आपको सेम चीज दिखाई देगा, राम श्याम और संदीप नीचे दिखाई दे रहा है और सुजीत कुमार, अमित कुमार और अवनीश ये आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर, यानी कि ये जो है फादर्स नेम है और इनका सेक्शन भी ऊपर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। फादर्स नेम के साथ इनका सेक्शन भी इंक्लूड हो गया है, देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं अपेंड क्वेरी। अब ये बड़े पैमाने पे कर सकते हैं, जब बड़ा सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो तो उस समय ये काम आ सकती है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से किसी अन्य चीज को भी अपेंड कराना हो तो आप आसानी के साथ करा सकते हैं, ओके।